कुरान देकर भेजा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, जरा सच वाला पैगाम आ गया, मिलाद मुस्तफा वाला आ गया, अब कुरान वाला लीजिए। ये कुरान हमारी तरफ क्यों नाजिल हुआ था? वनुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, इसलिए ईमान वालों की शिफा भी कुरान में है, रहमत भी शिफा, रहमत भी हमारी कुरान में है, शिफा भी हमारी कुरान में है। हम अपनी शिफा लेने के लिए मुल्तान के बड़े डॉक्टर से टाइम लेते हैं, 8 दिन पहले टोकन लेते हैं 5,000 का, फिर हम चेकअप करवाने जाते हैं। तेरी शिफा कुरान है, चतू कि और रुलदा बनाए, आहिस्ता बोले कहीं को सुन ना ले, आहिस्ता बोले। सुनिए, दुनिया दारुल असबाब है, मैं बिल्कुल इस सबब का इनकार नहीं करता, असबाब इख्तियार करने चाहिए मुमकिन तौर पर, लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूं जो डॉक्टरों पे इतना बिलीव करता है, कितना अरसा गुजर गया बेटा आपने कुरान पढ़ा है, जरा बता ना कितना अरसा गुजर गया। आधा गुनाहगार बंदे हैं, बा नेक तुसा हो दुआ च करो। मैं कहना ये जवाब नहीं है, जवाब ये अपने जमीर को जगा और कुरान पढ़। मैं पिछले हफ्ते लाहौर शहर में था तो एक मौलाना साहब ने मुझे ये बात बताई। वो कहते हैं मैं बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास गया और मैंने चल के पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये बताइए आप इतने खूबसूरत हैं क्यों? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो करेंगे मेरी तरफ। तो कहते हैं बाबा जी ने मुझे जवाब दिया, बेटे मैं कुरान दा पक्का हाफिजा, ते मैं कुरान खोल के पढ़दा होना। तो जैसे आपको नहीं ना समझ आई तो चुप ही बैठे हो, वो कहता मुझे भी समझ नहीं आई पहली मरतबा। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे समझ नहीं आई, तो बाबा जी का तकिया कलाम, और कहने लगे ओ जलया ओ हजे न समझिया, और ना क्या नहीं फरमाया तुम्हें इसी बात का तो पता नहीं, कुरान को हमेशा कोशिश करें देख के पढ़ें। क्यों? फरमाते हैं जब हम कुरान को देखेंगे तो हम कारी बन जाएंगे, और जब कुरान हमें देखेगा तो हम खूबसूरत हो जाएंगे। तो फरमाते जब कुरान देखता है, बैठिए बेटे बैठिए 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 बैठिए, मैं मौका देता हूं आपको, जब कुरान को हम देखते हैं तो कारी बनते हैं, जब कुरान हमें देखता हो तो फरमाया जो देखता रहता है फिर वो खादिम रिजवी या इलियास कादरी बन जाता है। वाह 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 सुभान। और मैंने कई मर्तबा ये देखा है, मेरे शेख तरीकत सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल आला सोना मुर्शिद, ए मेरा साईं है, ए मेरा लजपाल है, ए मेरा करीम है, ए मेरा मुर्शिद है, आपको मैंने अक्सर देखा है आप कुरान मजीद खोल के पढ़ते। और मैंने एक और आदत देखी है, आप खोल के ना कुरान ऐसे सामने चीज पर रख के नहीं पढ़ते, मैंने ये बड़ा नोट किया है, आप जब कुरान खोलते हैं ना तो यूं कुरान खोल के अपने हाथों में ऐसे देख के पढ़ते हैं।